वेलकम एक और न्यू धमाकेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, आज हम बात करने वाले हैं आरसीबी टीम के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में और बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में, बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग टॉपिक के बारे में। क्योंकि अगर आप देखोगे रिसेंटली आरसीबी को लेकर बहुत बड़ी बड़ी अपडेट आप लोगों ने सोशल मीडिया पर फैली देखी होंगी, जहाँ पर मतलब एक अलग ही देखा जाए आप लोगों को सोशल मीडिया पर एक न्यूज़ देखने को मिले, जहाँ पर आरसीबी की रिटेंशन की बात हो रही है, जहाँ पर फाफ डुप्लेसी, ग्लेन मैक्सवेल, देखा जाए अल्जारी जोसेफ तक को लोगों ने रिटेन कर दिया है। तो मतलब बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक अलग ही तरीके की खबरें फैली हुई हैं। तो मैंने सोचा एक वीडियो के थ्रू आप लोगों को बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे देता हूँ। देखिए आरसीबी टीम, देखिए जाहिर सी बात है पांच प्लेयर रिटेन करेगी, जिसमें से एक इनके पास आरटीएम कार्ड भी रहेगा। जहाँ तक अभी तक जो भी रूल्स निकल के आए आईपीएल के, वहाँ पर तो यही बताया जा रहा है कि पाँच प्लेयर रिटेन होंगे और एक आप लोग को आरटीएम कार्ड देखने को मिलेगा। जहाँ पर आप चाहो तो एक अनकैप प्लेयर भी अपनी टीम में रिटेन कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पर आरसीबी टीम किस किस प्लेयर को रिटेन करेगी, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं फाफ डुप्लेसी, ग्लेन मैक्सवेल के नाम देखने को मिलेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई प्लेयर रिटेन होने वाला है। चलिए अगर हम बात करें नंबर वन रिटेंशन की, तो यहां पे आप लोगों को विराट कोहली का नाम देखने को मिलेगा। मेरे हिसाब से विराट कोहली इस टीम से अलग होंगे नहीं, और ये आरसीबी टीम भी कभी विराट कोहली को अलग करेगी नहीं अपनी टीम से। तो विराट कोहली नंबर वन पे रिटेन होंगे। नंबर टू पे अगर हम बात करेंगे, तो नंबर टू पे आप लोगों को यहां पे थोड़ा डिबेट देखने को मिलेगा मोहम्मद सिराज और देखा जाए कैमरन ग्रीन के बीच में, लेकिन यहां पे मैं पिक करूंगा मोहम्मद सिराज को। देखिए मोहम्मद सिराज की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी तो निकल के आती नहीं है स्टार्टिंग के आईपीएल में, लेकिन जैसे जैसे आईपीएल के एंड होता है वहां पर देखा जाए उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो जाहिर सी बात है आप इंडियन फास्ट बॉलर को तो अपनी टीम में वैसे भी रिलीज नहीं करना चाहोगे, तो नंबर टू पे मोहम्मद सिराज की पोजीशन भी कंफर्म हो जाती है, यानी कि दो आपके इंडियन प्लेयर लॉक हो गए। अब आपके पास बचता है एक नंबर तीन का स्लॉट, जहाँ पे अगर आप किस प्लेयर को रिटेन करोगे, यहाँ पे मुझे लगता है पर्सनली आरसीबी की जो मैनेजमेंट है उन्होंने कहीं ना कहीं मन बना लिया है कि कैमरन ग्रीन आरसीबी टीम के फ्यूचर स्टार होने वाले हैं। तो आप लोगों को नंबर तीन पे कैमरन ग्रीन रिटेन होते हुए नजर आएंगे। इनका प्राइस मेरे हिसाब से 15 से 14 करोड़ का रहेगा, तो इतने में रिटेन हो जाएंगे, एग्री कर जाएंगे कैमरन ग्रीन। तो नंबर तीन पे ये टीम कहीं ना कहीं कैमरन ग्रीन को अपनी टीम में रिटेन कर लेगी। वहीं पे अगर हम बात करें नंबर चार की, तो पर्सनली मैं यहाँ पे जाना चाहूँगा रजत पाटीदार के साथ। मैं इंडियन मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन को तो गलती से भी रिलीज नहीं करूँगा, क्योंकि आरसीबी टीम के पास गिनती के एक दो इंडियन प्लेयर हैं, वो भी मिडिल ऑर्डर के, और अगर मैं उन्हें भी रिलीज़ कर दूंगा तो आरसीबी टीम की बहुत बड़ी गलती रहेगी। तो मैं रजत पाटीदार को अपनी टीम में रिटेन करूँगा, क्योंकि रजत पाटीदार मेगा ऑप्शन में चलेगा। मुंबई इंडियंस, सीएसके की टीम, केकेआर की टीम, हैदराबाद की टीम, बहुत सारी टीमें हैं भाई रजत पाटीदार के पीछे जाएंगी, उनका प्राइस 12-13 करोड़ चला जाएगा। आरसीबी फिर रिटेन नहीं कर पाएगी, यानी कि मेगा ऑप्शन से बाय नहीं कर पाएगी, और फिर रजत पाटीदार आरसीबी टीम की अच्छी खासी पिटाई किया करेंगे। तो मेरे हिसाब से मैं तो नहीं चाहता कि रजत पाटीदार आरसीबी से अलग हूं, तो नंबर चार पे मैं रजत पाटीदार को रिटेन करूंगा। नंबर पांच पे मैं पर्सनली जाऊंगा यहां पे विल जैक्स के साथ, क्योंकि विल जैक्स ने जो बैटिंग की है रिसेंटली, फॉर्म इतना ज्यादा अच्छा नहीं चला है 100 में, लेकिन विल जैक्स ने जो सेंचुरी बनाई थी गुजरात की टीम के सामने, मेरे हिसाब से वो बहुत बहुत खतरनाक सेंचुरी थी, और उससे आप समझ सकते हो कि आरसीबी टीम में अगर वो रिटेन होते हैं और आने वाले 14 के 14 मैचेस खेलेंगे नेक्स्ट के, तो वहां भी एक दो सेंचुरी आप लोगों को देखा जाए विल जैक्स के बल्ले से देखने को मिलेगी। तो नंबर पांच पे मेरे ये रिटेन होंगे, और नंबर छह पे मैं आरटीएम कार्ड यूज करूंगा यश दयाल के ऊपर। तो मेरे हिसाब से ये छह प्लेयर हैं जिन्हें आरसीबी टीम रिटेन करेगी। बाकी आप बताइए आपके हिसाब से कौन कौन से ऐसे प्लेयर हैं जिन्हें रिटेन करना चाहिए, आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं एक और नई धमाकेदार वीडियो में।